हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू बुकवॉर्म्स ऑफ एसएससी चैनल। स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एसएससी द्वारा रिसेंटली लॉन्च्ड नोटिस के बारे में फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट इन मेटलॉजिकल डिपार्टमेंट। इस नोटिस के अकॉर्डिंग बताया गया है एसएससी द्वारा कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा साइंटिफिक असिस्टेंट की भर्ती के लिए और इसका एग्ज़ाम होगा 20 नवंबर से 27 नवंबर के बीच में। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 4 अगस्त रखी गई है। 20 जुलाई से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे और 14 डेज़ के अंदर जो ड्यूरेशन पीरियड है इसके अंदर आपको पूरा फॉर्म फिलअप करना है एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट का, जिसका लिंक आपको प्रोवाइडेड कर दिया जाएगा एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर या आप एसएससी के नोटिस के ऊपर भी जा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इस पोस्ट के बारे में। तो ये ग्रुप बी की नॉन गेस्टेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, ग्रेड पे 4200 है। एसएससी सीजीएल के ग्रुप बी की पोस्टों से ग्रेड पे थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी जॉब है और इसकी पोस्टिंग आपको दिल्ली और अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में दी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं वैकेंसीज़ की। तो टोटल 1102 वैकेंसीज़ हैं और उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो डिसेबिलिटी का शिकार हैं, जो हाथों और पैरों की डिसेबिलिटी है, बिकॉज़ ये जो पोस्टें हैं ये द पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा सुटेबल हैं और सारे डिसेबिलिटी एक्वायर्ड पर्सन भी इसे कर सकते हैं। सो इसके बाद हम आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। सो यू मस्ट बी सिटीजन ऑफ आवर कंट्री इंडिया। एज लिमिट जो रखी गई है वो रखी गई है 30 साल 4 अगस्त तक। 4 अगस्त 2017 में आप 30 साल से ऊपर नहीं होने चाहिए। और अपर एज लिमिट जो है वो अलग अलग एज रिलैक्सेशन दी गई है अलग अलग कैटेगरीज़ को। एससी एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, पीएच के लिए 10 ईयर्स। इसके बाद हम आते हैं नोटिस के कुछ और इम्पोर्टेंट पार्ट्स के ऊपर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि नोटिस के अंदर जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रखी गई है वो है बैचलर डिग्री इन साइंस। सो इसका मतलब ये है कि अगर आपने CS IT, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इन सब में डिप्लोमा या डिग्री कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके मार्क्स फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए, 60% मार्क्स होने चाहिए अगर आपके मार्क्स परसेंटेज में काउंट हो रहे हैं। अगर आपके मार्क्स CGPA में काउंट हो रहे हैं तो 10-point स्केल में आपके CGPA 6.75 होना चाहिए। इसके बाद एक और कंडीशन रखी गई है कि 10+2 के बाद जो आपकी डिग्री या डिप्लोमा है वो कम से कम 3 साल का होना चाहिए। सो इसका मतलब है कि जो 3 साल से ज़्यादा वाले हैं, मतलब BTech भी इसमें अलाउड हैं। BTech में जिन्होंने भी CEC, CS, IT इन सब से BTech किया है या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA या फिर कुछ ऐसी डिग्रीज़ की हैं तो वो भी इसमें एलिजिबल हैं, वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट आ जाता है इसके अंदर, सो एग्ज़ाम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। कंपटीशन थोड़ा कम है बिकॉज़ टेक्निकल डिग्रीज वाले ज़्यादातर कंपटीशन में नहीं होते हैं। दैट्स वाई एसएससी के साथ जो जिन्होंने टेक्निकल डिग्री के साथ एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इसमें सेलेक्ट होना। पोस्टें भी बहुत ज़्यादा हैं, 1100 पोस्टें हैं और ये बाद में बढ़ भी सकती हैं। थर्ड जो नोट दिया गया है वो दिया गया है 10+2 में एक रिकॉग्नाइज बोर्ड से करा होना चाहिए और वो साइंस से होनी चाहिए विद फिज़िक्स एंड मैथ्स एज कोर सब्जेक्ट, और 12th में उनके फिज़िक्स और मैथ्स कोर सब्जेक्ट्स में होने चाहिए। इसके बाद हम आते हैं पेमेंट के ऊपर। पेमेंट जो होगा वो 100 रुपीज़ है फॉर जनरल OBC और SC ST और फिजिकली हैंडीकैप और वुमेंस के लिए कोई फ़ीस नहीं है। फ़ीस आपको पे करनी है SBI चलान या नेट बैंकिंग और थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स। इसके बाद हम आते हैं सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो रखे गए हैं वो अलग अलग सिटीज़ में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसा कि आपने SSC के डिफरेंट एग्ज़ाम्स दिए होंगे, दिल्ली, अगर आपने दिल्ली सेंटर दिया है तो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में मैक्सिमम सेंटर्स वही रखे जाते हैं जो आपके आपने जो सिटी सेलेक्ट की है। दैट्स वाई सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है इसके अंदर, आप अपने सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग अपने कोड को भर सकते हैं फॉर्म के अंदर। और जो मार्किंग स्कीम है एग्ज़ामिनेशन की वो कुछ इस तरीके से है, 2 पार्ट्स में एग्ज़ाम होगा तो टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे। Part 1 के अंदर आपसे पूछा जाएगा कोर SSC के बारे में, जो कि हमेशा से Tier 1 में CGL के आता रहता है। CGL का पैटर्न फॉलो होगा Tier 1 का, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस होगा, क्वालिटी एप्टीट्यूड होगा, इंग्लिश लैंग्वेज होगी, जनरल अवेयरनेस होगा। 25-25 क्वेश्चन होंगे इन सब के और टोटल 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के Part 1 के अंदर। इसके बाद आपका जो सेकंड पार्ट होगा ये भी कंप्यूटर बेस्ड है, लेकिन इसके अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे वो फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इनसे रिलेटेड होंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे और टोटल मिला के 200 क्वेश्चंस हैं, 1 क्वेश्चन फॉर ईच मार्क्स। और आप
आपको टाइम दिया जाएगा 2 आवर्स का, और 2 आवर्स के टाइम में आपको ये फुल पूरा करना है पेपर। इसके बाद जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 की रखी गई है फॉर ईच पार्ट इन रॉन्ग आंसर 1 और 2, दोनों पार्ट्स के अंदर 1/4 मार्क कटेगा अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हैं। सिलेबस पे आप देखें तो सिलेबस जनरल इंटेलिजेंस का वही रहेगा जो कि नॉर्मल SSC CGL CHSL का सिलेबस होता है। वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप की रीजनिंग होगी जनरल इंटेलिजेंस के अंदर। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अर्थमेटिक एंड एडवांस दोनों मैथ्स आएंगी, जिसके अंदर सर्कल, क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल, सिलेंडर स्फीयर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, हाइट एंड डिस्टेंस, एलिगेशन, एवरेज, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। इसके बाद बात करें इंग्लिश नॉर्मल होगी, ग्रामर पोर्शन ज़्यादा होगा, वोकैबुलरी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, आइडम एंड फ्रेजेस, करेक्ट इनकरेक्ट यूज़ ऑफ वर्ड्स, जनरल अवेयरनेस इज़ अ वास्ट टॉपिक, इसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। इसके बाद आते हैं सेकेंड पार्ट के ऊपर। सो सेकेंड पार्ट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होने वाला है बिकॉज इसके अंदर कई फील्ड से इंफॉर्मेशन आएगी, तो अगर आपके पास इनके बारे में नॉलेज है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज जो करंट एस्पिरेंट्स CGL की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है कि CGL Tier 2 या Tier 1 के साथ वो तैयारी कर सकें वो टेक्निकल सब्जेक्ट की। सो उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है जो कि अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं CGL की और वो टेक्निकल फील्ड से हैं और उन्होंने अभी अभी पास आउट की है अपनी इंजीनियरिंग या अपनी ग्रेजुएशन। फिजिक्स से पूछे जाएंगे क्वेश्चन, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, प्लेनेटरी मोशन, सारे वही 12th के टॉपिक हैं ये, और कुछ ग्रेजुएशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन किए गए हैं अच्छी तरह से, उन टॉपिक से नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आते हैं फिजिक्स के बाद कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रोम, रैम, प्रोम, इन सब के बारे में कोर नॉलेज और फ्रेगमेंटेशन, इंटरनल, एक्सटर्नल, फिजिकल एड्रेस स्पेस, बाइंडिंग, डायनेमिक बाइंडिंग, ये सारी चीज़ें जो भी वर्चुअल मेमोरी, डिमांड पेजिंग, पेज डिस्प्लेसमेंट, ऐसे टॉपिक्स जो इंफॉर्मेशन IT के कोर टॉपिक्स हैं ये पूछे जाएंगे इसके अंदर। इसके बाद आते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इसमें इंक्लूडेड हैं, वो सी, जावा, HTML, XML, ISP, ब्रॉडबैंड, www. क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशंस, इसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहेंगी। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, मैग्नेटिक, BGT, FET, जो इन फील्ड से रिलेटेड होंगे, इकोनॉमिक जो इलेक्ट्रॉनिक्स से होंगे उनको इनके बारे में बहुत ही अच्छी नॉलेज होगी क्योंकि बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। BGT, FET, MOSFET, ये बहुत ही कॉमन टर्म्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स को बहुत ही इजीली पता होगा, क्रिस्टोफ लॉ आपने 12th में पढ़ा होगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन का लेवल इतना हाई नहीं होगा और कंपटीशन बहुत कम होगा, दैट्स वाई इसमें होने के सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसके बाद टेली कम्युनिकेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसके बाद नॉर्मल इंस्ट्रक्शन है। मोड ऑफ सिलेक्शन आप बता दें कि मोड ऑफ सिलेक्शन आपके मार्क्स के ऊपर होगा, पूरी तरह से मेरिट के ऊपर होगा और मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करेगा, उसके अंदर मेरिट के अकॉर्डिंग ही होगा। अगर कोई टाई होता है तो टोटल मार्क्स को देखा जाएगा सबसे पहले, उसके बाद अगर Tier 2 के मार्क्स को देखा जाएगा, मतलब Part 2 जो कि आपका टेक्निकल फील्ड का पार्ट है, उसके बाद मार्क्स ऑफ Part 1 देखे जाएंगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को दी जाएगी और ओल्डर कैंडिडेट को प्लेस किया जाएगा हायर, या फिर उसके बाद अल्फाबेटिकली ऑर्डर। सो अप्लाई करने के लिए आपको SSC की साइट पे जाना पड़ेगा और उसकी साइट पे जाकर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर इस नोटिस के अंदर एक लिंक प्रोवाइडेड है जिसके अंदर से आप साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अस ऑन आवर चैनल बुकवॉर्म्स ऑफ SSC। और मैं आपको पहली बात बता दूँ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे सवाल पूछ रहे हैं BTech अलाउड है, BTech अलाउड है बिकॉज इट इज़ ए टेक्निकल डिग्री और इसमें मैक्सिमम वही मांगे गए हैं टेक्निकल डिग्री के लिए ही। सो BTechs आर अलाउड फ्रॉम EC CS IT, याद रखिएगा EC CS IT, और जो कैटेगरी और जो ब्रांचेज हैं वो अलाउड हैं, लेकिन टेक्निकल डिग्री तो उनके पास है लेकिन जो पेपर है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो आप फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने वो सब नहीं पढ़ा है, MOSFET ये सब चीज़ें, और तो बहुत डिफ़िकल्टी हो सकती है और आप भर सकते हैं लेकिन उसमें आप ये कर नहीं सकते। सो फिजिक्स आपके पास अगर ग्रेजुएशन में रही है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप सारे एलिजिबल हैं, लेकिन थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आएगी बिकॉज आपने इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, CS IT के सब्जेक्ट से कभी नहीं पढ़े हैं, तो इस लिहाजे से थोड़ी सी डिफ़िकल्टी है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड गुड बाय एंड गुड लक।